अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जमाल तारिक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल आ गया जी वो दिन, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप T20 2022 फाइनल। हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है या नहीं ये कल पता लगेगा। 1992 वाली कंडीशंस हम देख रहे हैं, सारे लोग यही तबसरा कर रहे हैं कि भाई निशानदेहियाँ जो चीज़ें रिजेंबल करती हैं वो 92 से कर रही हैं। 2022 के अंदर भी इसी तरह सेमीफाइनल में हम लोग पहुँचे थे, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को इसी तरह हराया था और इंग्लैंड के साथ कल मैच है हमारा। 30 साल बाद पाकिस्तान के पास एक अच्छा चांस है इंग्लैंड को फाइनल में हराने का, और 2009 T20 वर्ल्ड कप के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चांस है कि एक और वर्ल्ड कप T20 का अपने नाम किया जाए, क्योंकि एशियन जो टीम्स हैं वो एक एक बार जीती हैं, श्रीलंका हो अपना, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, तो कोई ट्वाइस नहीं जीता पाकिस्तान के पास। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान का जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि इंग्लैंड को टफ टाइम दे के इंशाल्लाह हराने में हम कामयाब होंगे। रीज़न ये है कि अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया या इंडिया होता तो बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर होता, क्योंकि ये दोनों टीमें बहुत टफ टाइम देती हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान इनसे जीतता ज़रूर है लेकिन बड़े मुकाबलों में आके पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है वो आकर हार जाता है एंड में। शुक्र है ऑस्ट्रेलिया नहीं है और इंडिया नहीं है, इस टाइम है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को हमने हराया हुआ है और इसी टीम ने हराया हुआ है। अच्छी चीज़ ये है इस टीम की कि इस टीम को यूनाइट कर दिया है शादाब खान की परफॉर्मेंसेज ने, माशाल्लाह। अब शाहीन शाह, अफरीदी जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पहला ओवर देखने वाला होगा, अगर तो कल पाकिस्तान की पहली बैटिंग आती है तो पाकिस्तानी जो मीमर्स हैं और सोशल मीडिया पे जो चालू रहते हैं लोग सारे, वो फेसबुक पे यही कहेंगे कि 92 जो है वो रिपीट हो रहा है और इंग्लैंड 92 में भी पहले बॉलिंग कर रहा था और पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था। हाउएवर, कल जो भी पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे, रिजल्ट यही होना चाहिए कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप का मैच जीते। इंग्लैंड के साथ ऐसा है कि हम लोग जीत सकते हैं। बाबर आजम, आप बहुत ज़बरदस्त मौके पे फॉर्म में आए हो, हम लोग आपके साथ हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पूरी टीम को। रिजवान और बाबर आजम जो है उन्होंने लास्ट टाइम मैच को एक साइड पे कर दिया था, वजह यही थी कि शुरू के 6 ओवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पाकिस्तानी बॉलिंग जो 6 ओवर शुरू में करती है उसके अंदर भी अगर ये 2 से 3 विकेट्स ले जाते हैं तो मैच में रहती है। इसी तरह बैटिंग के अंदर अगर रिजवान और बाबर, जैसे लास्ट टाइम की आप मिसाल ले लें, आपने 6 ओवर में 55 रन बनाए पावर प्ले के अंदर, तो न्यूजीलैंड से आप मैच बहुत दूर ले गए थे। इसी तरह कल अपना अच्छा इंटेंट के साथ आएँ, फोकस करके आएँ और ये करें कि हमने अटैक करना है, फंसे नहीं। मालूम है वहाँ तेज़ बॉलर्स हैं, मार्कुट लास्ट टाइम सेमीफाइनल में तो इंजर्ड थे, मेरे ख्याल से कल वो खेल रहे हैं तो वो 150 प्लस हर बॉल करते हैं, लेकिन ये है कि आप बाबर आजम पेसर्स को अच्छा खेलते हैं। रिजवान, आप ज़बरदस्त खेल रहे हैं, आपकी फॉर्म है, बस अल्लाह ताला ने आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, इसको अवेल कीजिएगा। हारिस, आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है, आपने आगे टीम में अटैकिंग क्रिकेट खेलने का एक जो होता है प्लेयर, जैसे पिछले देखा जाए कि 2009 के अंदर शाहिद अफरीदी ने ये रोल अदा करा था, 17 के अंदर फ़खर जमान जो चैम्पियंस ट्रॉफी में, और अब आप 22 के अंदर आप हारिस साहब अदा कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है आपको देखते हुए। और आप इसी तरह खेलें, बहादुरी से खेलें, बेशक आप पहली बॉल पे आउट होते कोई मसला नहीं, लेकिन इंटेंट यही रखिएगा, घबराइएगा मत। पाकिस्तान बेस्ट ऑफ लक, और कल इंशाल्लाह यही दुआ करते हैं कि जो भी हो, बारिश हो ना हो, लेकिन जो भी हो पाकिस्तान के हक में हो, पाकिस्तान की बेहतरी में हो, और कल का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहे और हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। एज अ पाकिस्तानी हम सबकी दुआ है और बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मिलते हैं कल मैच के बाद और इसी तरह खुशी से, जश्न से और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस के साथ। दिल चाह रहा है कि आप लोगों से मुलाकात करें, व्यूज़ आपको देता रहूँगा अपने। मेरे चैनल का नाम है जमाल तारिक ऑलराउंडर, सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।